हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी इंडियन रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम अपने गांव आए हुए हैं और गांव में तो सभी के खेतों में बहुत सी हरी सब्जियां देखने को मिलती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको ताज़ी ताज़ी भिंडी की भरवा सब्जी बनाना सिखाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने खेत की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम अपने भिंडी के खेत में पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ कितने सारे भिंडी के पौधे हैं और जो भिंडी है वो नीचे की तरफ लगी हुई हैं। ये देखिए दिख रही है ना, बिल्कुल हरी हरी ताज़ी भिंडियाँ। तो अब हम लोग भिंडी को तोड़ना शुरू करते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए हम मीडियम साइज़ की भिंडी ही तोड़ेंगे। ये देखिए इसी तरह ही हम और भिंडियों को तोड़ लेते हैं। हमें भिंडी बनाने में प्याज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने ही खेत से ताज़ा ताज़ा प्याज भी तोड़ लेते हैं। इसी तरह ही हम कुछ हरी मिर्च भी तोड़ लेंगे। ये देखिए कितनी सारी हरी मिर्च लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने घर चलते हैं और भिंडी की मसालेदार भरवा सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए हमने दो प्याज को बड़े साइज में काट लिया है और 15 से 16 लहसुन लिए हैं। तीखी के लिए मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है। तो अब हम इन सभी को पीस लेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल गाँव के तरीके से भरवा भिंडी बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें सिलबट्टे पर ही पीस रही हूँ। मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को एक साथ पीस लिया है। अब हम कुछ खड़े मसाले जैसे कुछ काली मिर्च, जीरा, कलौंजी और 5 से 6 लौंग ली है। इसी में हम हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन्हें पीस लेंगे। ये देखिए मैंने खड़े मसाले को भी पीस लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने जो खेत से ताज़ी ताज़ी भिंडी तोड़ी थी उन्हें मैंने अच्छे से धोकर पहले ही सुखा लिया है। तो अब हम भिंडी को लेंगे और इसके दोनों साइडों से पतला पतला काटकर हटा देंगे और इसके बीच में हम इस तरह चाकू से कट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सभी भिंडियों में इस तरह चाकू से कट लगा लिया है। दोस्तों, मैंने भरवा भिंडी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई को लिया है। तो अब हमने भिंडी में जो कट लगाया था उसके बीच में हम इन मसाले के पेस्ट को भर देंगे। और हाथों से हल्का सा दबा देंगे। अब हम इसे कढ़ाई में रख देंगे। इसी तरह हम सभी भिंडियों में मसाले को अच्छे से भर देंगे। ये देखिए मैंने भिंडियों में मसाले को भर दिया है। तो अब हम भिंडी के ऊपर 1/4 कटोरी सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल हम चारों तरफ घुमा घुमा कर डालेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि गांव में तो चूल्हे पर ही खाना बनता है, तो मैं भी आपको चूल्हे पर ही भरवा भिंडी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने चूल्हे को जला लिया है। अब हम कढ़ाई को इसके ऊपर रख देंगे। और भिंडी हल्की गर्म होने के बाद हम इसे ढक देंगे। करीब 6 से 7 मिनट पकने के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। अब हम इसे धीरे धीरे कंचुली की सहायता से पलट देंगे और भिंडी पक चुकी है, तो अब हम इसे खुला ही पकाएंगे। चूल्हे की आंच हमें धीमी ही रखनी है।
करीब 4 मिनट पकने के बाद भरूंगा। भिंडी बनकर तैयार है। तो अब मैं आपको इसे अलग निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल विलेज स्टाइल मसालेदार चटपटी भरूंगा भिंडी बनकर तैयार है। तो दोस्तों, आप भी मेरे इस तरीके से भरूंगा भिंडी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और यकीन मानिए बाकी की सभी सब्जियां खाना भूल जाएंगे। और जब आप इस तरह से भरूंगा भिंडी बनाएंगे तो इसे 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।